नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा तरीन खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचती रहे। आज हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी अध्यक्ष की हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को हरी झंडी दे दी है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों को शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले 17 अगस्त को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। एम्स अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का हाल जानने के बाद वह प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। 300 करोड़ की लागत से उज्जैन के महाकाल मंदिर का कायाकल्प करेगी कमलनाथ सरकार। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार सॉफ्ट हिंदू की राह पर लगातार बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। राम गौशाला और नर्मदा के बाद अब कमलनाथ सरकार ने विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के कायाकल्प का बेड़ा उठाया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर सूबे में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कई प्रमुख हस्तियों का भी यहां लगातार आना जाना लगा रहता है। बीजेपी के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर उमा भारती, सभी की महाकाल मंदिर में प्रख्यात आस्था रही है। अयोध्या में तेज हो रहा मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम, जल्द बढ़ेगी कारीगरों की संख्या। अयोध्या विवाद पर सुनवाई तेज होने के साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी काम सेवक पूरम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने के काम को तेज करने का शुरू कर दिया है। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा है कि यह फैसला अयोध्या विवाद मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है। वर्तमान में कारीगरों की कमी के कारण कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम नहीं चल रहा है। लगभग 10 से 12 कारीगर नक्काशीदार स्लैबों की सफाई करने में लगे हुए हैं जिस पर वर्षों से धूल की परत जमी हुई है। कार्यशाला में रखे पत्थर के स्लैब और प्रस्तावित मंदिर के लिए रखे गए स्तंभों को भी साफ किया जा रहा है और चमकाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, हमें जानने का अधिकार है। नेताजी सुभाष चंद्र के रहस्यमय रूप से गायब होने की घटना को याद करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक को रविवार को याद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि नेताजी के साथ क्या हुआ, लोगों को यह जानने का अधिकार है। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा है कि 1945 में इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान के ताइकोहू हवाई अड्डे की एक उड़ान से रवाना हुए और हमेशा के लिए गायब हो गए। हम अब भी यह नहीं जानते कि उनके साथ क्या घटित हुआ है। धरती के महान सपूत के बारे में लोगों को जानने का अधिकार है। बीजेपी सांसद हंस राज हंस ने की जेएनयू का नाम बदलने की मांग, कहा मोदी के नाम पर कुछ तो होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से भाजपा सांसद और गायक हंस राज हंस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यानी एमएनयू रखने की मांग की है। हंस राज हंस ने कहा है कि जेएनयू के एक कार्यक्रम में यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं तो कहता हूं कि जेएनयू का नाम बदल करके एमएनयू कर दो, मोदी के नाम पर कुछ तो होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 पर लोगों को संबोधित करते हुए सांसद हंस राज हंस ने कहा है कि दुआ करो सब अमन से रहे, बस चल रहे, हमारे बुजुर्गों ने गालियां की है और हम भुगत रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लोग किसी भी तरह से मरे, मरता एक मां का बेटा, बाद में चाहे उसे सम्मानित करे लेकिन मां का बेटा तो वापस लौटकर नहीं आता। जम्मू में फिर बंद करनी पड़ी इंटरनेट सेवा, अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदम। जम्मू में फैलाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिए रविवार को एक बार फिर से 5 जिलों में कम गति के 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। एक दिन पहले ही इन सेवाओं को बहाल किया गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से सेवा प्रदाताओं से सुबह रविवार को सेवा बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अफवाहों को फैलाने से रोकने और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। करीबन एक पखवाड़े बाद शनिवार और शुक्रवार को दरमियान रात को जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी इलाकों में कम गति की मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल की गई थी। केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और उन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख में विभाजित करने के एक दिन पहले 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को खरी खरी, कहा अब बात पीओके पर होगी और किसी मुद्दे पर नहीं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टुक बात कही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अनौपचारिक चर्चा पर इतहार करे पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब बात पीओके पर होगी और किसी मुद्दे पर नहीं होगी। हरियाणा के पंचकूला में रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि धारा 370 और 35 से हटाए
बताने के बाद हमारा एक पड़ोसी बौखला गया है और दुनिया के तमाम देशों का दरवाजा खटखटा रहा है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए। किस बात पर बातचीत होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात करनी चाहिए? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से यदि बात होगी तो तभी होगी जब आतंकवाद को संरक्षण देने और पैदा करने का काम जो पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है उसे खत्म करे। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करता तब तक बातचीत करने का कोई कारण ही नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि किस मुद्दे पर होगी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी और इसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल कर हमारे देश को तोड़ना चाहता है। 30 साल बाद फिर बनाया जाएगा प्रयागराज का ऐतिहासिक घंटाघर। देखते ही बनती है इसकी रोमन नकाशी। पिछली शताब्दी के शुरू से ही शहर में व्यस्त चौराहे पर बनाया गया विशाल घंटाघर 30 साल बाद एक बार फिर से समय आ गया है कि प्रयागराज नगर निगम ने इस ऐतिहासिक घंटाघर की घड़ी और घंटे की सुई चालू हालत में लाने की कोशिश तेज कर दी है। इसके कल पुर्जे मिलने में दिक्कत आ रही है लेकिन उम्मीद है कि एक बरस बाद यानी अक्टूबर तक यह हालत ठीक हो जाएगा। प्रयागराज स्थित चौक घंटाघर भारत में सबसे पुरानी बाजारों में से एक है और मुगलों की परंपरा स्थापत्य और निर्माण कला का एक नमूना है। इसे लखनऊ के घंटाघर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना घंटाघर कहा जाता है। इसके खंभों पर रोमन नकाशी की बहुत सुंदर कलाकृतियां उकेरी गई है जो 100 बरस बीते जाने पर भी धुंधली भले ही हो गई हो लेकिन इस खूबसूरती कम नहीं हो रही है। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी ने किया छात्रों को संबोधित, कहा परीक्षा में तनाव न लाए, पूरे जुनून के साथ आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा वॉरियर्स में मैंने जो कुछ लिखा है वह महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित है। हमारे सामने चुनौतियां हैं लेकिन हर चुनौती के लिए हमारे पास उससे दूर करने के लिए और समाधान खोजने के लिए युवा दिमाग भी है। उन्होंने कहा है कि आपके पास अतिरिक्त साधारण चीजें करने की शक्ति और क्षमता है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगी। पूरे जुनून के साथ आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भूटान और भारत के लोग एक दूसरे में बहुत लगाव का अनुभव करते हैं। हम फिर अपने भूगोल के कारण करीब नहीं हैं, बल्कि हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं ने हमारे लोगों और दो राष्ट्रों के बीच अनोखे और गहरे संबंध बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के दो हिस्से होने के बाद लद्दाख में उठी मांग, पीएम मोदी के चहेते सांसद ने बुलंद की आवाज। जम्मू कश्मीर में प्रमुख नेताओं ने संविधान के 6वीं अनुसूची के तहत एक क्षेत्र को एक आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की केंद्र से गुहार लगाते हुए कहा है कि यहां के लोगों को सबसे बड़ी चिंता उनकी जमीन और पहचान की रक्षा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने केंद्र के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने के फैसले का स्वागत किया है लेकिन उन्हें डर है कि बाहरी लोग यहां आने से इस क्षेत्र की जनसंख्या में उनकी बदलाव आ जाएगी। उन्होंने इस संस्कृति और पहचान को खतरा पैदा किया है। लद्दाख के सांसद जमयांग सेरी ने जनजातीय इलाकों के मंत्री अर्जुन मुंडा को एक ज्ञापन में कहा है कि यह मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र है जहां 98% आदिवासी हैं। भाजपा सांसद ने शनिवार को यहां 9 दिवसीय आदि महोत्सव के शुभारंभ पर कहा है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के केंद्र के फैसले के बाद आदिवासी आबादी की सबसे बड़ी चिंता उनकी पहचान, संस्कृति, भूमि और अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है। 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म मिशन मंगल अपने मिशन में बखूबी कामयाब हो रही है। पहले और दूसरे दिन धमाकेदार कमाई करने के बाद अक्षय कुमार की फिल्म ने तीसरे दिन बम्पर कमाई की है। मिशन मंगल के तीसरे दिन सभी अनुमानित आंकड़ों को पछाड़ दिया है। शनिवार को फिल्म में बिजनेस में काफी ग्रोथ देखने को मिली है। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल तीसरे दिन लगभग 70 करोड़ के आंकड़े पार कर चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के मध्य एरिया में लो प्रेशर का एरिया बना हुआ है। मौजूदा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बंगाल और पश्चिम बंगाल के सटे इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके दौरान अगले 2 दिनों में गंगाटिक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। मनारी और कुल्लू जैसे जिलों में भारी बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन देखी जा रही है और साथ ही लेह मार्ग पर भी लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SBI से होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, ब्याज दरों में की गई 0.20% की कटौती। SBI से होम लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी आई है। SBI से लोन लेकर के घर खरीदना अब सस्ता हो गया है। SBI ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की है। 1 सितंबर से होम लोन के ब्याज दरों में 8.05% हो जाएगी। RBI ने अगस्त में रेपो रेट की घटकर के 5.40% कर दिया है। रेपो रेट की दर जिस पर RBI दूसरे बैंकों से कर्ज देता है।